गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो क्लास वी हैड स्टडीड लेसन नंबर 1 इन इंग्लिश ग्रामर बुक। ओके, नाउ वी विल डू लेसन नंबर 1 फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर बुक 2। तो हम लोग अब क्या करेंगे, लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर की बुक में से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सारे बच्चों ने बुक्स को खरीद लिया होगा। दिस इज योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, न्यू बुक ऑफ योर न्यू क्लास। क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक? बेस एंड एक्टिविटी बेस्ड इंग्लिश केस बुक। क्लियर? तो ये आपकी किताब है। आई होप यू ऑल हैव बॉट दिस बुक एंड इज रेडी टू स्टडी विथ मी। ओके, सो in english literature we will start the course from today and we will study chapter number 1, lesson number 1 padhenge bachcho। lesson number 1 hai kya? This is on page number 3। page number 3 pe aa jayenge sare bachche, page number 3 open karke baithenge and sit with the pencil and rubber in your hand। clear? chalo, लेसन नंबर 1 का नेम क्या है? द रेनबो। क्या है? द रेनबो। चलो, आपके लेसन नंबर 1 का नेम है बच्चों द रेनबो। ओके, रेनबो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि व्हाट इज अ रेनबो। रेनबो होता क्या है? सी चिल्ड्रन, रेनबो इज द वर्ड विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, रेन प्लस बो, बो विल बिकम रेनबो। क्लियर? दो वर्ड्स को आप जोड़ोगे, दो इंडिविजुअल वर्ड्स को, व्हाट आर दे? रेन एंड बो। तो रेन और बो, इन दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया? रेनबो। रेन मतलब क्या होता है? बारिश। ठीक है, वर्षा। ठीक है, वर्षा, बारिश। और बो मतलब क्या होता है? धनुष, है ना? धनुष। तो देखो, अब बारिश और धनुष, रेन प्लस बो, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है ना कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, धनुष कैसे बारिश के साथ में क्या हो सकता है? देखो, जब भी बच्चों बारिश होती है हमारे क्लाउड्स से, जब भी रेन होता है, बारिश होती है, तो आप अपने स्काई में देखोगे तो कभी कभार क्या होता है कि आपको बारिश के जस्ट बाद, रेन के जस्ट बाद, आपको एक क्या दिखाई पड़ेगा? बो, एक धनुष तरीके की आकृति आपको आसमान में दिखाई पड़ेगी, और जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर से वो बना हुआ होगा। ठीक है, अलग अलग रंग उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे और ऐसा लगेगा कि वो एक तरीके से धनुष का आकार लेकर के वो बना हुआ है। ठीक है, तो देखो, अब बारिश होने के बाद हमको आसमान में क्या दिखाई पड़ा? धनुष तरीके की आकृति दिखाई पड़ी और शेप ऑफ बो दिखाई पड़ा इन डिफरेंट कलर्स। Therefore, we call that shape a rainbow. हमने उसको क्या कह दिया? रेनबो। रेनबो को हिंदी में बच्चों इंद्रधनुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। क्लियर? हिंदी में पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी, ठीक है ना? रेनबो को हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। चलो, तो ये तो हो गई रेनबो के बारे में जान गए, रेनबो वाकई में होता क्या है। अब ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दिस इज अ पोयम। क्या है? ये है एक पोयम, एक कविता है। ठीक है, दिस इज अ पोयम रिगार्डिंग रेनबो। ओके, चलो, तो क्या लिखा है यहाँ पे? यू ऑल मस्ट हैव सीन अ रेनबो एंड एडमायर इट्स ब्यूटी। यहाँ पे पोएट कौन है? यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, ये पोयम है और किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ।
वॉर। बेटा ये विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, ये एक बहुत ही बड़े पोएट हैं, पोएट थे, वेरी रेनाउंड पोएट, वेरी फेमस पोएट, और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स किसपे लिखी है, ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, किसपे लिखा है, ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब क्या हो जो हमारी प्रकृति की खूबसूरती पर, नेचर मतलब जानते हो ना हमारी प्रकृति जो हमें जिसके वजह से हम जी पाते हैं, जो हमारे अगल बगल की सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, हवा, पानी, ओशन, बॉडी, ठीक है, ग्रीनरी, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एसेट्रा एसेट्रा, सैनिक ब्यूटी हो गई जैसे कि वाटरफॉल, लेक्स एंड ऑल दिस, माउंटेन्स, प्लेन्स, ये जितना भी नेचर है, जो भी हमारी प्रकृति है, उसकी खूबसूरती के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पोएट्स में ज़्यादातर लिखते हैं, अपने पोएट्स में, ठीक है। तो ही राइट्स ऑन, ही रोट ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, ओके। सो दिस इज द पोएम रिगार्डिंग द रेनबो, तो रेनबो के बारे में जानेंगे हम लोग, ओके। यू ऑल मस्ट हैव सीन अ रेनबो एंड एडमायर्ड इट्स ब्यूटी, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि आप लोगों ने रेनबो देखा होगा और उसके बारे में आप लोगों ने एडमायर किया होगा, हमेशा उसका बखान किया होगा कि कितना खूबसूरत है रेनबो, इंद्रधनुष देखने में कितना खूबसूरत लगता है ना। ठीक है, तो the poet is an ardent admirer of natural beauty, हमने आपको बताया ना कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, he is an ardent admirer of natural beauty, मतलब ये जो हमारी प्रकृति की खूबसूरती है उसकी व्याख्या करने वाले ये एक महान कवि हैं, क्लियर, इज अ ग्रेट पोएट हु एडमायर्स द नेचर ऑफ ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द सैनिक ब्यूटी ऑफ नेचर, ओके। इन दिस पोएम ही सीम्स एनचांटेड बाय द रेनबो, तो ये जो पोएम इन्होंने लिखी है अबाउट द रेनबो, इनको ऐसा लगता है, इस पोएम को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये रेनबो की ब्यूटी से, इंद्रधनुष की ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये एडमायरर है उसके, ठीक है, ओके। चलो तो ये हो गई आपकी पोएम, क्लियर, यहाँ पे देखो कितने अच्छे से रेनबो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जिन कलर्स से रेनबो फॉर्मेशन होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ये बच्चा है ये रेनबो को देख करके क्या हो रहा है, उसकी खूबसूरती की व्याख्या कर रहा है और बहुत ही इसको हैप्पीनेस फील हो रहा है। चलो पहले तो पढ़ लेते हैं कि पोएम में लिखा क्या है, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई, डू यू नो हाउ इट केम बाय, विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं देयर इज अ रेनबो, यहाँ पे एक इंद्रधनुष दिखाई पड़ रहा है बच्चे को और वो कहते हैं कि देयर इज अ रेनबो इन द स्काई, स्काई आसमान में एक रेनबो दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, हमें, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, हाउ इट केम बाय, कि ये कैसे आया, ये रेनबो कैसे आया, ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू सनलाइट गेव द स्काई दिस प्रिटी साइट, देखिए ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अब बारिश होगी जब तो उसमें जो पानी की बूंदे हैं थ्रू सनलाइट, वो पानी की बूंदें जो हमारी क्लाउड से रेनबो रेन की फॉर्मेशन में हमारे पृथ्वी पे अर्थ पे गिरती है, उस पर जब सनलाइट पड़ती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, गेव द स्काई दिस प्रिटी साइट, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स पे जब सनलाइट पड़ रही है तो स्काई में इतना प्रिटी साइट है, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ हमें देखने को मिल रही है, एंड दैट इज अ रेनबो, दैट इज द इंद्रधनुष, सेवन कलर्स कैन बी सीन, तो कितने कलर्स देखे जा सकते हैं रेनबो में, रेनबो का फॉर्मेशन किन किन कलर्स को मिलाकर क्यों हुआ है, रेनबो में कितने कलर्स हैं, सेवन, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, सेवन कलर्स, इंद्रधनुष में सात रंग है, ठीक है, रेड येलो एंड लवली ग्रीन, वॉयलेट इंडिगो एंड ब्लू, दैट इज ऑरेंज इन इट टू, कौन कौन से कलर्स हैं, रेड लाल रंग है, येलो पीला रंग है, एंड अ लवली ग्रीन और
ग्रीन कलर भी है, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू. वॉयलेट कलर भी है, इंडिगो कलर भी है एंड ब्लू कलर भी है. देयर इज ऑरेंज इन इट टू, और आपको वहाँ पे ऑरेंज कलर भी देखने को मिल रहा है. तो देखो कितने कलर हो गए, सेवन कलर्स. अब इन सेवन कलर्स को याद करने का एक तरीका है ये वर्ड. क्या हो गया ये वर्ड? इस वर्ड का नाम क्या है? इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं विबग्योर. विबग्योर में आपके रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं वो यहाँ से आप निकाल सकते हो और समझ सकते हो. जैसे कि बी फॉर क्या हो गया, बी इंडिकेट्स वॉयलेट कलर, क्लियर. आई, दिस इज आई, आई इंडिकेट्स इंडिगो, आई इंडिकेट्स इंडिगो कलर. देन बी, बी इंडिकेट्स ब्लू कलर, क्लियर. बी इंडिकेट्स ब्लू कलर. देन जी, जी इंडिकेट्स ग्रीन कलर, क्लियर. देन वाई, वाई इंडिकेट्स येलो कलर, ओके. ओ, ओ इंडिकेट्स ऑरेंज कलर, ठीक है. एंड आर, लास्ट वन इज आर, आर इंडिकेट्स रेड कलर, क्लियर. तो देखो विबग्योर के थ्रू हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमें रेनबो में कितने कलर्स देखने को मिलते हैं. पहला क्या हो गया बच्चों, वॉयलेट. क्या हुआ पहला? वॉयलेट कलर. देन आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड कलर. तो देयर आर सेवन कलर्स इन द रेनबो, और यू कैन से दैट द रेनबो इज फॉर्म्ड बाय एडजॉइनिंग सेवन कलर्स, ओके. तो ये पोयम बहुत बड़ी है बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ की, बट यू आर इन लोअर क्लास, देयरफॉर ओनली दिस मच ऑफ फ्रेजेस इज बीइंग रिटन हेयर टू अंडरस्टैंड दिस पोयम, ओके. सो योर पोयम गेट्स ओवर एंड नाउ द टाइम फॉर वोकैबुलरी, ठीक है. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वोकैबुलरी पढ़ेंगे. यहाँ पे पहला लिखा है बच्चों रेनबो. तो रेनबो के बारे में हमने आप लोगों को क्या बताया? A bow-shaped display in the sky with seven colors of spectrum. एक धनुष की तरीके की आकृति जो कि आपको आसमान में दिखाई पड़ती है with a spectrum. अब spectrum जो है, spectrum इन सात रंगों के मेन को कहते हैं spectrum. जो सात रंग हमें दिखाई पड़ते हैं उसको हम लोग spectrum बोलेंगे. Sight, second one is sight. ठीक है, sight मतलब seen, मतलब जो भी चीज़ हम देख रहे हैं that is our sight. वॉयलेट कलर को और कौन सा कलर बोल सकते हो? पर्पल, क्लियर. वॉयलेट को और क्या बोलोगे? पर्पल. इंडिगो भी क्या है? अ काइंड ऑफ कलर, और ये भी ब्लूइश टाइप ऑफ कलर है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लू होता है. ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज कलर को इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है. ये नहीं कि यहाँ पे समझ लो कि संतरा वहाँ पे ऊपर आसमान पे दिखेगा, ठीक है. ऑरेंज संतरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, संतरे का रंग, ठीक है, ऑरेंज कलर. एनचांटेड, एनचांटेड मतलब चार्म्ड, चार्म्ड मतलब जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है. एडमायरिंग, तो यहाँ से ये आपका लेसन ख़त्म हो गया बच्चों. आपकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF, ओके. ट्राई टू लर्न दिस पोयम, क्योंकि छोटी सी पोयम है तो यू कैन लर्न, ओके. अब आ गई आपकी कॉपी की बात, तो आप इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी बना लिए होगे अभी तक. उस कॉपी में आप फ्रंट पेज पे अपना नेम लिखोगे, क्लास लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आप लेसन नंबर वन डालोगे. लेसन नंबर वन में इंग्लिश लिटरेचर में क्या लिखोगे? द रेनबो. रेनबो लिख लिया, लेसन का नेम डाल लिया. अब उसके बाद ये जो वोकैबलरी है उसको लिखोगे, ठीक है. यहाँ पर जो वोकैबलरी दी गई है, जो यहाँ पर ब्लैक से लिखा हुआ है, डार्क ब्लैक कलर से, उसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे. और ये जो लाइट ब्लैक दिया हुआ है इसको आप लिखोगे बाय ब्लू पेन, ठीक है. एंड ट्राई टू लर्न द वोकैबुलरी, इन वर्ड्स के मीनिंग को आप लर्न करना शुरू कर दो, ओके. देन आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट यू कैन मेक दिस फिगर आल्सो इन योर कॉपी. अगर कॉपी में आपको, इफ़ यू आर गुड इन ड्राइंग
ठीक है, ड्राइंग में अगर आप अच्छे हो तो इस कॉपी में आप इसको इस फिगर को भी बना के कलर कर सकते हो, बट थ्रू क्रेयॉन्स, स्केच पेन से मत करना, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे दिखने लगेगा और जो लिखा रहेगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा, सब उसी में इंक फैल जाएगा। उसके बाद जब पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे इन सब चीज़ों की, एक्सरसाइजेस की, क्वेश्चन एंड आंसर्स की, आप प्रॉपरली पूरे पीडीएफ कवर को उस कॉपी में करके रखोगे, बिकॉज वेन एवर द स्कूल विल रीओपन आई विल चेक योर कॉपी। इज दिस क्लियर? एंड हाउ यू विल राइट डाउन दिस इन योर कॉपी? एक्सरसाइजेस पूरी ब्लैक पेन से लिखोगे, लेकिन जो इसके आंसर्स हैं यू विल राइट इट विद ब्लू पेन, ठीक है। उसी तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से और आंसर्स को ब्लू पेन से, लॉन्ग आंसर्स के भी तरह इसमें भी यही होगा कि क्वेश्चंस को ब्लैक पेन और बाकी आंसर्स को ब्लू पेन से। नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, खराब हैंड राइटिंग होगी तो मैम उसको सब काट देंगी, क्लियर। और वोकैबुलरी लर्न करना शुरू कर दीजिए, वर्ड मीनिंग तैयार करना शुरू कर दीजिए, अपने काम को एकदम टाइम पे रखिए, बिकॉज व्हेनेवर आई विल आस्क यू फॉर द कॉपी यू विल गिव इट फॉर करेक्शन। ओके, थैंक यू।